आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज के स्पेशल एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। और जॉय, कितना अच्छा है कि आज हम सब मिलकर के और खास अपने दर्शकों के साथ हम मिलकर के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। बिल्कुल। बहुत सारी कुर्बानी और बहुत सारा लहू बहाया गया है और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस आज़ादी को पाने के लिए। जी हाँ, बिना लहू बहाए या बिना बलिदान के आज़ादी कहीं पर भी, कोई भी इतिहास किसी भी देश का, जहां पर आज़ादी की बात होती है वहां पर बलिदान है। और मज़े की बात है, सिर्फ देश में नहीं, हमारी निजी जिंदगियों में भी, हमारे पापों से, हमारे अंधकार से, हमारी निराशाओं से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है और उसके लिए एक बलिदान दिया है। और वो बलिदान किसी और का नहीं, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दिया। और इसीलिए न केवल सामाजिक रूप में पर आत्मिक रूप में भी हम आज़ाद हैं। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अपने पापों से स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, हम अपने पापों से स्वतंत्रता पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और किस तरीके से इस आज़ादी का हमें मूल्य भी बनाए रखना है और अपने कर्तव्य को एक नागरिक होने के नाते, उस रोशनी को जो हमारे अंदर है उसे दूसरों तक पहुँचाना है और अपनी स्वतंत्रता का सही पालन करना है। जी बिल्कुल, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का नमक ठहराया है और इस जगत की रोशनी ठहराया है। हमने आज देखा, सुना कि जब आप कुछ मांगते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, एक जज्बा रखते हैं, तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। और जब परमेश्वर उसको पूरा करता है तो सारा महिमा भी, सारा जलाल भी खुदावंद को मिलता है। ना केवल एक खेल में, ना केवल किसी जीवन के संघर्ष में, पर हमारे अकेलेपन में भी परमेश्वर हमको स्वतंत्र करना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ और ढेर सारी आयतें हैं, ढेर सारे पद हैं जहां पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम सच में स्वतंत्र रहें। परमेश्वर ने हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है, पर परमेश्वर ने हमें प्रेम का, संयम का, सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्र करने वाला आत्मा है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी भी निराशा में है, किसी भी अकेलेपन में है, ऐसी परिस्थितियों में पड़े हैं जहां पर चीजें अच्छी नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, परमेश्वर का वचन कैसे स्वतंत्र कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन से आपको इस बात से उभारना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 15 और 16 पद, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये दाऊद का भजन है और दाऊद कहने लगा, परमेश्वर तूने मुझे जाल से छुड़ाया है और छुड़ाएगा। जिंदगी के जाल, जिंदगी की परिस्थितियां, हालात कई बार मुझे आपको कैद कर लेते हैं, कई बार अकेलापन मुझे कैद कर लेता है, निराशा कैद कर लेती है, ना केवल बाहर से पर मैं आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी कैद में हो जाता हूं। बट परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्वतंत्र करता है जब हम बड़ी दीनता के साथ उसके सामने आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है जो इस काम में, इस मुहिम में मेरी मदद करे। परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र ना करे, हम स्वतंत्र नहीं है। और वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको स्वतंत्र करना मांगता है। उसकी तरफ देखें, निराश नहीं होंगे, वो मुझे और आपको स्वतंत्र रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जाना कि सत्य हमें आज़ाद करता है और ये सत्य है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और हमारी प्रार्थना है कि आप इस सत्य को जानेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो ज़रूर आप अपने चैलेंजेस, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें। हमारा एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू।